अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उज्मा। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ रेसिपी वो है आलू की सब्ज़ी। तो एक सिंपल रेसिपी मैं किस तरह से तैयार करूँगी मैं आपको बताती हूँ, झटपट रेडी होने वाली और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। प्लीज़ आप भी अपने यहाँ ट्राई करें और अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर भी करें। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। फ्रेंड्स, मैंने एक चम्मच ऑयल गर्म कर लिया है, मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब मैं इसमें हल्का सा आधा चम्मच अजवाइन डालूंगी, ये देखिए इस तरह से। अजवाइन का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ये टेस्टी भी के मतलब सेहत के साथ सेहतमंद तो होता है और खाने में टेस्ट भी बढ़ाता है। थोड़ा सा जीरा लेंगे, जब ये थोड़ी सी अच्छी इसका हो जाए, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो मैं इसमें थोड़ी सी प्याज ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरह से भून लूंगी, इस तरह से फ्राई करूंगी। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, इस तरह से इसको भून लूंगी मैं। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि अच्छी तरह से भुन जाए। देखिए भाई इस तरह से, अब मैं टेस्ट के अनुसार इसमें नमक ऐड करूंगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब ये जो मैंने दो आलू इस तरह से काट लिए थे इस शेप में, अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी, ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड कर इसको कम से कम दो मिनट के लिए बंद कर रख दूंगी। ये देखिए इस तरह से गाइस मेरे दो मिनट हो चुके हैं। मैं इसको चेक करती हूँ कि मेरे ये आलू कितने रेडी हुए हैं।
देखिए मसाला की कलर इसका। खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं ये। आप इसे पराठे से, रोटी से, किसी चीज़ से भी खा सकते हैं, किसी के साथ भी। ये सबके साथ ही टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स मेरे ये आलू की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। ये देखिए तो फ्रेंड्स मेरी आलू की सब्ज़ी एकदम परफेक्ट रेडी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश के लिए डालूंगी इस तरह से। यम्मी। तो आप ज़रूर अपने यहाँ इसको बनाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं। आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए मैं एक नई रेसिपी के साथ कल फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।